जिस कारण जो नेतागण है वो अभी किसी भी पब्लिक मीटिंग को या मुलाकात नहीं कर रहे हैं। मैंने कोशिश किया था समय लेने के लिए, उनको फोन भी किया था, उनको मेल भी किया था और मुझे आश्वासन भी मिला था वहां से कि आपसे जल्द ही मुलाकात कराई जाएगी या उनका फोन आएगा। तो मुझे जानकारी मेरी तरफ से नहीं दी गई है, मुझे नहीं लगता कि उनको जानकारी है। अगर वो मीडिया के द्वारा जान गए होंगे तो जान गए होंगे, परंतु मेरी तरफ से, हमारी संगठन की तरफ से अभी उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही। मैं मुकेश कुमार ओझा, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। आज पत्रकार सम्मेलन हमें इसलिए करना पड़ रहा है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री महंत गोस्वामी अनुराग ब्रजवंशी जी, पुलिस द्वारा उनको हिरासत में रखा गया मथुरा थाने हाईवे में बिना किसी उल्टे सीधे आरोप को लगा के, जिस विरोध में हम लोग यहां एकत्र हुए और भारत के 29 राज्यों में इसी समय हर पदाधिकारी हर जिले में प्रेस वार्ता कर रहा है। प्रेस वार्ता हम लोग इसलिए कर रहे हैं, हम विरोध जता रहे हैं कि हमारे भैया जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो गिरफ्तार किया गया है वो गलत तरीके से, राजनीतिक तहत से उनको गिरफ्तार किया गया है। हम उत्तर प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से और मथुरा प्रशासन से ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको रिहा किया जाए, निष्पक्ष जांच हो और जो भी कार्यकर्ता हमारा उनसे मिलना चाहता है उनको मिलने दिया जाए। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? जैसे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है आपकी दिल्ली प्रदेश के, और जो एक मांग आप अधिकारियों ने उन्होंने समझा रखा है, और हम उत्तर प्रदेश सरकार से, उत्तर प्रदेश प्रशासन से अभी हम यही विनती करते हैं, अपील करते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए और हमारे बीच आए, और हम मान सम्मान के साथ उनको लेके आएंगे और उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने देंगे, क्योंकि भारत के अंदर 29 राज्यों के अंदर राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी काम कर रही है मातृशक्ति के लिए, वृक्षारोपण के लिए और हर जगह मानवता के लिए लड़ाई लड़ती है राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी 29 राज्यों के अंदर। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत केस सुलझाए जो कई बच्चों के साथ रेप हुआ है बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, दिल्ली के अंदर, वो हर जगह मानवता के लिए लड़ाई लड़ते हैं। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश प्रशासन, राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कोई नोटिस नहीं दिया, कोई सूचना नहीं दी, उससे गिरफ्तार किया गया, तो हम उसका कड़ी निंदा करते हैं। उत्तर प्रदेश प्रशासन से यही अपील करते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जल्द से जल्दी रिहा किया जाए और हमारे बीच आएंगे और हम संगठन को और आगे बढ़ाएंगे। कुछ राजनीति नेता लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं। अभद्र भाषा का प्रयोग उस महिला द्वारा हुआ है, उसके बावजूद भी जब कार्यकर्ता उनको बाहर ले जा रहे थे उसके बावजूद भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं कि महिला को छोड़ दो, मान सम्मान के साथ ले जाओ, आराम से जाने दो। उसके बाद भी कोई मारपीट नहीं, जिसका वीडियो है हमारे पास, जो थाना SHO ने बोला 307 मुकदमा गलत दर्ज हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास में है, उसके बाद भी 307 FIR की गई। किस दबाव में ये केस लगाई गई मुझे या राजनीतिक दबाव? नहीं, ये टोटली राजनीतिक दबाव है। हमारे संगठन को नहीं चाहते हैं कुछ राजनीतिक पार्टी जो ये संगठन उभर के आए हिंदुत्व का भला करे, ये टोटली राजनीतिक से प्रेरित अरेस्टिंग है और हम इसीलिए इसका विरोध कर रहे हैं। हम 29 राज्य में हैं, हम हर जगह हैं और हमारा विरोध करने का एक ही चीज है कि हम भूख हड़ताल पे जाएंगे और भूख हड़ताल पे जाएंगे जो कि हमारा अधिकार है, उस अधिकार को हमसे कोई नहीं छीन सकता है। और हम पूरे कानून को आज हम मीडिया के तहत, आप लोग के तहत, हम पूरे जगह ये मैसेज देना चाहते हैं कि 14 तारीख से पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को छोड़ दिया जाए बाइज्जत सम्मान के साथ, निष्पक्ष जांच करिए, अगर कोई गिल्टी पाते हैं, कोई है उनके खिलाफ अगर कोई केस बनता है मुकदमा बनता है मुकदमा दायर करिए, लेकिन नजायज रूप से मत फंसाइए, नजायज रूप से नहीं। सर, जैसे सुनने में आया कि अगर उनकी अगुवाई कोई करने जाता है उनके भी केस लगा दिया जाता है या फिर उनको भी बंद कर दिया जाता है, ये कहां तक कितनी सच्चाई है? उनकी अगुवाई करने के लिए देखिए 5 आदमी के नाम पे नामजद FIR हुआ था, उस बात का कहीं मुकदमा नहीं बनता है। 323 का मुकदमा बनना चाहिए था उनके, 307 का मुकदमा बनाया गया है और प्रशासन, मथुरा प्रशासन ने क्लियरली बोला था, SSP रैंक के लोगों ने बोला था, मीडिया ने बोला था कि नहीं 307 नहीं लगना चाहिए, फिर भी उन्हें अरेस्ट करके उन्हें बंदी बना के रखा गया है। हमारी प्रशासन से, उत्तर प्रदेश प्रशासन से, हमारी केंद्र के प्रशासन से, बीजेपी सरकार से हमने एक ही चीज का आग्रह करते हैं,
निष्पक्ष जांच करके जल्द से जल्द हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को छोड़ा जाए, अन्यथा हम भूख हड़ताल पे चले जाएंगे। पूरे 29 जिले में, 29 राज्य में, हर जिले में हम भूख हड़ताल में जाएंगे और हम ये प्रदर्शन भूख हड़ताल करके जब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मान सम्मान के साथ नहीं छोड़ा जाता है।